यह सिया पिया निवास छे। पंडित जी हिनको बारे में कुछ विवरण जाने के छले, कनी बता देती तो और बढ़िया रहते। हाँ पंडित जी, किन हिनको बारे में बता दे, पूरा जानकारी दियो। हाँ, हिनकर गाथा की छे, निवास छे, एतो ऊपर में कोहबर घर छे, कर परिक्रमा कर लिए। हाँ, बाबू। हाँ, दर्शन के ला। हाँ बाबा, कॉल ले लिया, बढ़िया से कॉल ले। चलो पंडित जी, ओवर घर छे ऊपर में। बाबा 100 वर्ष के छथि, हिनका से आशीर्वाद ले जाय जाय। अच्छा, कंडिया में बाबा जी एक से वर्ष के छथि। हां जी, हां जी, मां हटथुन त कनी गोर लागै छै। चला बाबू, चला ओवर देख लगा। हाँ हाँ हाँ, देखबो देख केने है पंडित जी। ऊपर जा, ऊपर है पर्दा ने। ओए पर्दा ने। हाँ ठीक छे पंडित जी। आबा बाबू, आबा चल पंडित जी, चल आगे चल। हमार ने जा। हाँ हाँ, मैं यो है कन्हा, ई भेले हमर बाबू। हाँ बुझलियै। हाँ, आई हमर माय भेले। अच्छा, आई हमर कनिया भेले। जी जी, बुझलियै। धोरहाटपुर के धोरबा भेल, बोर लगै छी। आ धोरहाटपुर हमर ग्राम भेल। ओ बाबू झुरकुट भ गेलो, माय जुबाने छ। सब है कनी कनी अथी के ऑर्डर, सब के क्रीम सब के कमाल। ठीक छै, ठीक। आबा बाबू, आबा कहबर देख ला कनी। आबा या कोहबर घर छे, आओ देखो। अच्छा, आबा बाबू, आबा छी ये। हाँ यो एलो। हाँ आओ देखियो, या कोहबर घर छे, सिया पिया निवास, कोहबर भवन। अच्छा, जब जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के ई कोहबर घर छन। हाँ, या जे छे ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोहबर घर मिथिला में जहन ओ एलखिन ने। हाँ, जहन उनकर विवाह भेलन। हाँ, विवाह के बाद मिथिला में कोहबर घर होय छे। अच्छा, वह कोहबर घर एत छे। अच्छा, राम भगवान के कोहबर घर। जी बाबू। हाँ बाबू, देखला देखला याद का मन कते प्रसन्न हो गेल। बाप रे बाप, मने ने मन को या कि बार बार आवत रहे। हां, हमरा बाबू मने ने करे हा घर जाय के, हमरा त मन करे हा आते रहती। हां ना कहली एक जब चल अहिल्या माता के दर्शन को ले। देख धन्य भ गेलिया त आइ के ने बाबू। आ आगे चल तू ना। चल, और की छे यहां पर? सप्तऋषि जी छथिन। हाँ, कहाँ वो दिखा दिया पंडित जी हमारा सबके। चलो पंडित जी आइयो, वो हमारा सबके के दिखा दिए। चल चल, और या के चलो। आया थी बाबू जी। बाबू ठीक से है। चल आगे, ई ना किला पटा का गिर जाई है। ई और या के आवत ना माई। ओरे कहै छिया तू बुढ़ा भेलो। हाय यंग में जा, और या के उठा का कहै जाही माई देने तदान के इलाज हमरा करावे पड़ल। बुझल ही कि नहीं? आबा हां, हनुमान जी के दर्शन करू। जय
जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो। पंडित जी कन हिनका बारे में किस गाथा सुना देती रहे? अहाँ के ई बजरंग बली जे छे ने बहुत कम जगह अहाँ के दक्षिण और उत्तर मुहे बजरंग बली रहे छे थी, बहुत कम जगह। ई बहुत सिद्ध पीठ छे, बजरंग बली के नानी गांव छे, ते द्वारे अहाँ के तब पर लोग आबि कऽ हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदर कांड के पाठ अतः करे छे। जी और की छे पंडित जी? सप्त ऋषि जी छथि। लेकिन एगो बात कहू अहाँके, एतऽ सँ जाय के मन नहि अथी करै छै। अतुका जगह जे लागे है, एतेक सुंदर लागे है, कतेक नीक। चलू आगे चलू। मिथिला माटी के धरोहर स्थल छै अहिले स्थान। जय हो। सप्त ऋषि जी छथि, कौशिक जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, जमग्नि जी, एक बाद भरद्वाज जी, सब ऋषि मुनि के अतः पर सप्त ऋषि आश्रम बनायल गेल छी। कर दर्शन करू। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो सब चीज हमरा सब के देखा देलों, नहीं तो एते चीज हम सब नहीं जाने छलों आने देख पैतो रहे। देखा बाबू, मन पवित्र भ गेल सौंसे तक घूम लेला। और कोनो जगह है पंडित जी? अरे आई तीर्थ स्थान से बैका कोनो तीर्थ स्थान नहीं, अपना मिथिलांचल में बुझे की गंगा नहा लेला। सही बात कह रहा कोनो जगह छै? आ जाओ बाबू के कही की देखो चाहे तो गौतम कुंड ले जा, तो स्नान करा। गौतम कुंड हाँ जे स्नान कर ले भी, तो साले भर में जय जय सिया राम हो, तो बाबा के पोता है जा। जय बचे जय बचे बचे ने बाबा वो तो जरूर जय है। हाँ जय बचे अखन के जाय छी, पूरा पुण्य के फल भेटतो। अच्छा यानी इनका सब के दर्शन के लग बाद ओत जे ने छबे करे। हां हां ओत हम जेबे तखने जाकर हमरा सब के सफल। हां सफल है तो देख लेले सब्सक्राइबर बाबू, मिथिला मैथिली के धरोहर स्थल अहिल्या स्थान। अरे हम तो आबि के हिनका दर्शन कर लेली आ मन प्रसन्न भ गए, लेकिन अपने सब एक बेर आब के अहिल्या माता के दर्शन कर लिया, जीवन अपने के धन्य भ जाय। अहिल्या माता की जय, गौतम ऋषि की जय, जय हो, जय मिथिली, जय मिथिला, जय हो।